हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मींस क्या? रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, ओके। और डेवलपमेंट मींस विकास, तो संसाधन और विकास। ये समझ में आया आपको? चलिए, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन। टाउन्स और विलेजेस में आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करने वाले कुछ आइटम्स के नाम बता सकते हो आप, या उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हुआ आपका गिलास हुआ, ठीक है, चम्मच हुई, या जो भी चीज़ें, जैसे कि मतलब फैन हुआ, तो इनके आप नाम ले सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें किन से मिलकर बनी हुई है, इनका मेन मटेरियल क्या है, या आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। उनको बनाने में कौन कौन से मतलब मटेरियल का यूज़ हुआ है उसको आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। कोई मतलब आयरन से बनी होगी, तो कोई मतलब अलग अलग मेटल से बनी होगी। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। हर वो चीज़ पर्यावरण में मौजूद, हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी हमारी जो आवश्यकताएँ हैं उनको संतुष्ट करने का जो काम करती है, ठीक है, और हमें प्रोवाइड करती है ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी जो है, जो हमारी तकनीक है, वो हमें उन्हें एक्सेस करने में यानी उन तक पहुंचने में, ठीक है, मदद करती है। इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक तौर पे हम उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि महंगा हो जाए। मान लो जैसे कि मतलब कृष्णा नदी के अंदर जो रेत है उसमें सोना पाया जाता है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें उतना पैसा लग जाएगा जितना पैसा वहाँ से हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। वो जो सोना वहाँ पे मिलता है उसके तट पे, वो बहुत ही नगण्य मात्रा में, कम मात्रा में, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है मतलब सांस्कृतिक तौर पे मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं। इसका मीन्स ये है कि जो रिसोर्स की डेफिनेशन है वो इस प्रकार से होती है कि वो मटेरियल जो एक्सेसिबल हो, ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पहुंच के अंदर हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जिसको हम आर्थिक तौर पे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक ट्रेंगल दे रखा है, फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर। ह्यूमन बींग बीचों बीच में है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन बींग जो है इस नेचर का उपयोग किस रूप में कर सकता है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक उद्योग के रूप में पूरा जो आपको मतलब इस रिसोर्स का उपयोग वो कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इंटरडिपेंडेंट का मीन्स होता है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। ह्यूमन किसके ऊपर निर्भर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर भी निर्भर है, और बिना टेक्नोलॉजी मतलब किसके ऊपर निर्भर है, नेचर के ऊपर, क्योंकि बिना नेचर के टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं है। और नेचर का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन का होना तो बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन में मतलब बहुत सारे तरह के इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जैसे कि मतलब उद्योग हुए, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री हुई वो इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मतलब आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो प्रोसेस है जिसमें चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, या उनको उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बदलाव आता है उनके अंदर, जो भी, ठीक है, जो भी मतलब पर्यावरण में मौजूद चीज़ें हैं उनका मतलब उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत मतलब हम नेचर को लेते हैं, या टेक्नोलॉजी को लेते हैं, या इंस्टीट्यूशन को लेते हैं, ये सब चीज़ें क्या आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आप एक नॉर्मल सी चीज़ ले लो, गेहूँ ले लिया आपने, गेहूँ क्या है, नेचर, नेचुरल प्रोडक्ट है, ओके, नेचुरल प्रोडक्ट है। उसको जब हम बिस्किट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम किसका उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जहाँ करते हैं वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेचर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंस्टीट्यूशन, और इन सब के बीच में कौन होता है, ह्यूमन बींग। ये सब आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग जो होता है ना, इंसान जो होता है वो नेचर के साथ में इंटरेक्ट करता है, यानी उसके साथ में मतलब जो भी बदलाव करना चाहता है उसके थ्रू करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एसोलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब उसके पास में टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो अपनी इस इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक
एक्टिविटी होती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्केलेट करने के लिए एंड उसमें गति प्रदान करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन को बनाता है, जैसे उद्योग को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक छोटे स्तर पे बिस्किट का उत्पादन कर रहे हो, पर आपको चाहिए कि मतलब नहीं मुझे एक बड़े स्तर पे करना है और मुझे बड़ा मतलब कुछ तेज गति से करना है, पैसे ज़्यादा कमाना है, तो आप क्या करोगे उस छोटे स्तर को एक उद्योग में तब्दील कर दोगे, ठीक है। इसलिए इंस्टीट्यूशन का जो है स्थापना होती है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या आप ऐसा सोचते हो कि मतलब जो संसाधन हमें नेचर से प्राप्त हैं वो मतलब हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है कि प्रकृति ने हमें मतलब फ्री में दे दिया उठा के कि आप इसका उपयोग करो, ये आपके लिए है, ऐसा आप सोचते हो क्या? एस इज अज्यूम्ड बाय मेनी, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, वास्तविकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब जैसे कि पानी है तो पानी मतलब तो भगवान ने दिया है तो पियो या फेंको, क्या मतलब है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते, पर ऐसा नहीं है। दे आर नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमें मतलब नेचर ने फ्री गिफ्ट के रूप में दे रखे। ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, मानव खुद, इंसान खुद एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। कंपोनेंट यानी कि पार्ट, किसका? रिसोर्सेज का। आप सोचोगे कि मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा जरूरी है, ह्यूमन बींग ज़्यादा जरूरी है, तो विदाउट ह्यूमन बींग वी कांट एक्सेस एनी रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स का यूज़ जो है हम ह्यूमन बींग के बगैर नहीं कर सकते। कर सकते हो कि जैसे कि पानी हुआ या मतलब कोई भी मतलब नेचुरल रिसोर्स हुआ, चाहे वो बायो हो, बायो रिसोर्स या कोई भी रिसोर्स हो, उसका उपयोग आप कब करोगे? जब आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स हो, ऐसा व्यक्ति हो जो उसका उपयोग करना जानता हो, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर दी पर वहाँ पर टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला, तो क्लास का क्या मतलब आएगा, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज, तो यहाँ पर देखो ये आंसर आ गई कि जो ह्यूमन बींग होता है वो क्या करता है, वो मतलब उस रिसोर्स को, उस मटेरियल को रिसोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। कोयला है तो कोयला को मतलब कोयला पत्र जैसा मिलता है, तो वो इंसान ही है जो मतलब उस कोयले को उस रूप में लेके आता है, ट्रांसफॉर्म करता है, जिसके रूप जिस रूप में मतलब उद्योगों में उसका उपयोग हो सके, ठीक है। इसलिए ह्यूमन बींग अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, अब क्वेश्चन देखो, ये तो सब इतनी जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था इसे आपको बताने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, तो रिसोर्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, वो ये सब यहाँ पर है कि दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच इज एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्म इज रिसोर्सेज, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ह्यूमन बींग ऑल्सो अ मेन कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, ह्यूमन बींग। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मतलब एग्जाम पर्पज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डिफरेंट बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, कहाँ से वो आते हैं। तो पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक। आपने ये साइंस में पढ़ा होगा कि बायोटिक मीन्स जिसमें जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, लिविंग थिंग है, उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, और अबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग है, ठीक है। सेकेंड जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के आधार पर, कब क्या कितनी देर वो चल सकते हैं, उसके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि मतलब जो बन सकता है और दोबारा नहीं बनता। हिंदी में वर्ड इसका जो है वो आएगा मतलब कि क्या वर्ड है इसके लिए, रिन्यूएबल के लिए, चलो बाद में बता देंगे इसका, मतलब दिमाग में आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, थर्ड जो बेसिस है इसका कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत, जैसे कि मतलब प्राइवेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिटी समुदाय के रूप में, नेशनल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाज का मतलब दबदबा होता है या उसका मतलब ओनरशिप होता है वो इंटरनेशनल कहलाता है। जैसे इंटरनेशनल मतलब वाटर होता है, वाटर बॉडी होती है, ठीक है। नेशनल जैसे कि इंडिया के अंदर है तो नेशनल है वो, कम्युनिटी यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है वो, और इंडिविजुअल यानी किसी एक पर्सन का है, ठीक है। चौथा जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के आधार पर, विकास के जो अलग अलग स्तर होते हैं उसके आधार पर भी इसको मतलब डिवाइड किया जाता है। पहला पोटेंशियल, उसके अंदर कितनी क्षमता है, जैसे कि मान लो एक जगह पे 100 किलो मतलब कोयला है, वो उसका क्या है, पोटेंशियल है। डेवलप स्टोव, अब वो 100 किलो मतलब जो है वहाँ पे कोयला है, पर वो किस रूप में है, डेवलप्ड है या नहीं, मतलब उसको निकालने लायक है या नहीं है,
तीसरा रिजर्व, रिजर्व मतलब संरक्षित, रोका रखा मतलब उसको हमने संरक्षित कर रखा है या यूज करने लायक है। तो रिसोर्सेस के बारे में क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज के टू टाइप्स कौन से हैं, तो दो टाइप्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है और एक ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में टू टाइप्स है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा बन सकता है, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा नहीं बन सकता। जैसे रिन्यूएबल में क्या आते हैं आपको, सोलर एनर्जी आता है, वाटर एनर्जी आता है, रिन्यूएबल सोर्स है आपके। नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाता है, कोयला, जो भी मतलब फॉसिल फ्यूल्स है, वो सब क्या आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब रिसोर्स में आ जाते हैं, जो एक समय के बाद में क्या आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबल सोर्स में कंटिन्यूस ऑफ फ्लो, जैसे कि जो लगातार मतलब फ्लो करते रहते हैं, जैसे वाइंड हुआ, पवन हुआ, ये वाटर हुआ। और दूसरा टाइप हो जाता है इसमें बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल में जैविक जो है, बायोलॉजिकल में एक नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ। ये इतना ज़्यादा इसके बारे में पूछते पूछते क्या है, रिसोर्स के टू टाइप पूछते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप पूछते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इतना ज़्यादा डिस्क्राइब में वो नहीं जाते, फिर भी आपको याद रखना है कि मतलब ये है। हाँ, नॉन रिन्यूएबल में पूछते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के टू टाइप्स क्या हैं, तो वो रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल यानी कि इसको हम पुनर्निर्मित कर सकते हैं, मेटल हुआ, जैसे कि एक बार टीम का जो भी बॉक्स हुआ या मतलब बोतल हुई, उसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा नए रूप में, नए प्रोडक्ट के रूप में उसको बना सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल मतलब फॉसिल, जिसमें कोयला आ जाता है, आपका लकड़ी आ जाता है, ये नॉन रिसाइकलेबल। ह्यूमन को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर के आधार पर, इंस्टीट्यूशन के आधार पर मतलब संस्था के आधार पर, और क्वांटिटी के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मान लो आप पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगी आपकी क्वांटिटी, एक बड़ी संख्या में क्वांटिटी है, पर अगर वो क्वालिटी नहीं होगी उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, समाज के ऊपर, देश के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो क्वांटिटी के होने साथ साथ क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मीन्स है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स तो है, पर वो ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, बूढ़ा है, जवान है या बच्चा है। जैसे कि आज हमारे इंडिया का जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्या है, यंग है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब यंगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पर है, इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडिया की अधिकतर पॉपुलेशन, वो क्या है, आज यंग है। अब इसको डिस्क्राइब में मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। आज बस हम ये इंटरनेशनल रिसोर्स तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी नहीं हो। बायोटिक रिसोर्स, तो बायोटिक यानी जैविक, जैसे मैंने बताया आपको, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर से यानी कि जो ऐसा स्पेस जहाँ पर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, और उनमें लाइफ होती है, यानी कि दिस रिसोर्सेज हैव लाइफ, लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग हुआ, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना का मतलब होता है वन्य जीव और आपके वन्य जीव और पौधे। ठीक है, जितने भी जानवर हैं वो सब फ्लोरा फौना के अंतर्गत आ जाते हैं। फिशरीज, मछलियाँ, लिव स्टॉक, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के अंदर जितने भी मतलब आपके पशु है, जो मानव के लिए जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि गाय, भेड़, बकरियाँ, ठीक है, भेड़, ये लाइव स्टॉक में आते हैं, जो इंसान को मतलब जीविका प्रदान करते हैं, ठीक है, लिवलीहुड के लिए जरूरी हो जाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्स अजैविक संसाधन। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वे सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है, उनको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए रॉक्स, मेटल या जितने भी बेंच वेंच, सब मतलब क्या किस्म आ जाएगी, अबायोटिक रिसोर्स। सिंपल से याद रखना, बायोटिक रिसोर्स मीन्स लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से मतलब इसकी समाप्त, इसका हिंदी वर्ड तो समाप्तता के आधार पर, कि समाप्ति के आधार, ठीक है, वो आपको समझ भी नहीं आएगा, समाप्ति के आधार पर कितनी देर में खत्म हो रहा है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से पैदा कर सकते हैं, फिजिकल तौर पे भी, केमिकल तौर पे भी, या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू भी, इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिप्लेनिशेबल
इनको दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं दोबारा से। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, ठीक है, सूर्य से प्राप्त एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लगातार आ रही है, इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं हम। वाइल्ड एनर्जी हुआ, वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, ये सब क्या है, लगातार क्या हो रही है, लगातार रिप्रोड्यूस हो रही है। चाहे वाइल्ड जो वाइल्ड लाइफ है आप देखिए, मतलब लगातार उनके जो है उनकी मतलब जो चाइल्ड वन है वो आते जा रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इंटू कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम मतलब कंटिन्यूस और फ्लो के रूप में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बनने में, जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है, दिस ओकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम, इनको बनने में कितना समय लगता है, बहुत लंबा जैविक समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए मिनरल्स हैं, खनिज, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, या आपका कोयला हो, ठीक है, या फॉसिल फ्यूल हो, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इन रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन बनने में। आप देखिए मतलब जो आपके क्रूड ऑयल के मतलब एक भंडार है, उस भंडार को बनने में कई लाखों साल लगे, ठीक है, पूरा मतलब जो एक पूरा काल बीत गया, मतलब डायनासोर एज बीत गया, उसके बाद में आप देखोगे कि उन्हीं जगह पे मतलब पेट्रोलियम पाया जाता है, जहाँ पर मतलब ज़्यादातर मतलब क्या हुए थे, जानवर हुए थे, जानवरों की जो बॉडीज हैं वो प्रेशर और मतलब गहराई की वजह से, डीपनेस की वजह से मतलब इसमें तब्दील हो गई, पेट्रोलियम में तब्दील हो गई। और उसी की जगह जब मतलब ज़मीन के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो मतलब दब गए, और प्रेशर जो अर्थ का प्रेशर है उसकी वजह से, और हीट है उसकी वजह से, वो किसमें चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गया। तो इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इनका मतलब जो स्टॉक होता है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल, ठीक है, कुछ मेटल जो है रिसाइकलेबल है, बट जो फॉसिल फ्यूल है उनको भी रिसाइकल नहीं कर सकते हम। मेटल को रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ रिसाइकलेबल है पर फॉसिल फ्यूल नहीं, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और उनके उपयोग के साथ वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, समाप्तता के मतलब सॉरी स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पे इंडिविजुअल की बात करें तो ये आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल आल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मतलब जो प्राइवेट हाथों में होता है उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। जब कोई रिसोर्स इंडिविजुअली किसी के कंट्रोल में होता है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. बहुत बार आप मतलब 1975 के बाद जब इंदिरा गांधी का शासन था तो उस समय एक नियम आया था, कानून आया था कि मतलब जिनके पास में 200 बीघा से ज़्यादा ज़मीनें हैं वो मतलब गरीबों में बांट दी जाएगी, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी ज़मीनें जो हैं 2-3 बीघा जो है वो मतलब किसानों को बांट दी गई, तो आज उनके पास में खुद की क्या है, रिसोर्स है, ठीक है, संसाधन है। इन विलेज देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मेनी हु आर लैंडलेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव में जिनके पास में अपना खुद का मतलब क्या है, जमीन है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भूमिहीन लैंडलेस है, ठीक है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जबकि जो शहरी लोगों की बात करें तो उनके पास में प्लॉट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं भूमि के, हाउसेस होते हैं या बाकी सारी प्रॉपर्टी होती है। प्लांटेशन पेस्चर लैंड पॉन्ड्स और वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। अब एक व्यक्तिगत आदमी के पास में जरूरी नहीं कि जमीन ही हो सकता है उसके पास में एक पोस्टर लैंड हो, मतलब खेती करने की मतलब जमीन हो, या तालाब हो, या हो सकता है कुआ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके पर्टिकुलर। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय योर हाउस होल्ड, आप अपनी घर की मतलब आपके पास में क्या क्या मतलब चीज़ें आप खुद की हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हो। Then you can easily understand what type of individual resource you have, ठीक है। तो ये तो आपको करने का काम हो गया। Community owned resources, अब जब समुदाय किसी resource के ऊपर मतलब उनका स्वामित्व होता है तब क्या होता है, There are resources which are accessible to all the member of the community, कुछ resources ऐसे होते हैं जो पूरे community के लिए accessible होते हैं, मतलब पूरे समुदाय जाके वहाँ पर मतलब उसका उपयोग कर सकता है। Example के लिए आपने देखा होगा गाँव में कुएँ होते हैं, समुदाय के लिए, ठीक है, विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, गांव में चारागाह होते हैं जो पूरे गांव के लिए होते हैं, ठीक है,
बरियल ग्राउंड लोगों को दफनाने के लिए बरियल ग्राउंड होते हैं, या शमशान घाट जिसे हम बोलते हैं, विलेज पॉन्ड्स या तालाब होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का उपयोग एग्जाम्पल है। पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट हुआ, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। प्ले ग्राउंड जो होते हैं अगर अर्बन सिटीज की बात करें तो वहाँ पर वो उनके लिए एक्सेसिबल होता है। तो वहाँ पर वो क्या है, वो कम्युनिटी मतलब ऑन रिसोर्सेज है। अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्सेज की, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। देखो तकनीकी रूप से अगर बात करें तो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी रिसोर्सेज हो, ऑन रिसोर्सेज वो सभी किससे बिलोंग करते हैं, नेशनल से, क्योंकि अल्टीमेटली किसके अंदर आते हैं, एक नेशन के अंदर आते हैं। तो टेक्निकली बात करें तो सारे रिसोर्स किसके अंदर बिलोंग करते हैं, एक नेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर एवरी इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक। सरकार के पास में ये मतलब लीगल पावर होता है, वैधानिक पावर होता है, शक्ति होती है कि वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है, पब्लिक गुड के लिए यूज कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार मतलब बांध बनते हैं या मतलब सड़क बनती है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सरकार क्या करती है, खरीद लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्रॉपर्टी क्या है, नेशनल रिसोर्स। यू माइट हैव सीन रोड कैनाल्स रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। आपने देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल लोगों के जमीन पे भी या मतलब उनके प्रॉपर्टी पे ये सब चीजें बनती हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब जो शहरी विकास अथॉरिटी होती है उसके पास ये पावर होती है कि वह मतलब किसी भी जमीन पे क्या कर सकती है, हड़प सकती है। हड़प सकने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पैसे भी नहीं है, कहने का मतलब वो उसको खरीदेगी बेकायदा, मतलब एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। ऑल द मिनरल्स गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशन एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट डाउन इज टेरिटोरियल वाटर। अगर हम बात करें कि इस देश के अंदर मौजूद जितने भी जंगल है, वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु है या जमीन है, वो सब जो पोलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं वो सब किसकी किसके रिसोर्स हैं, नेशंस के। ठीक है, और यहाँ तक कि मतलब हमारे जो कोस्टल लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर दूर समुद्र का जो हिस्सा है वो भी हमारे नेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वहाँ से हम मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो गैस हो या पेट्रोलियम हो। अगर जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई है, जो मुंबई के पास में है वहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं और नेचुरल गैस भी निकालते हैं जो कि हमारा 22 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं, कैसे, ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। देखो यहाँ 12 नॉटिकल माइल की बात, नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे थे। अब जो 200 नॉटिकल माइल्स, जैसे 12 तो हमारे देश का होता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो समुद्र आ जाता है, अब वो किसका, उसे एक देश का तो है नहीं, तो वो किसका कहलाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स वहाँ पर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 माइल्स के बाद आता है, नॉटिकल माइल्स के बाद आता है, और ये ओपन ओशन होता है और इसमें किसी इंडिविजुअल का भी मतलब कंट्रोल नहीं होता है ना किसी नेशन का कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप चीज यूटिलाइज कर सकते हो दिस विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पर मतलब तब तक कोई भी चीज का खनन नहीं कर सकते जब तक कि आपको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन नहीं मिल जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।